अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है। भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, वही बहन भैया दूज पर भाई की लंबी आयु के लिए उसे यमराज से बचाने के लिए व्रत रखती है और विधिवत पूजन करती है। क्या है भैया दूज का महात्म्य, कैसे करे पूजन, विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं ज्योतिषविद डॉक्टर टीपी त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दिवाली के बाद भैया दूज आती है। भैया दूज लेकर के जनमानस में थोड़ा असमंजस है, कई फोन मेरे पास आ चुके। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो बना के आपको स्पष्टीकरण दे दूं। भैया दूज का जो पौराणिक महत्व है वो ये है कि यमुना जी के भाई, बड़े भाई थे, वो उसी दिन दिवाली के द्विज के दिन उनके यहाँ आए हुए थे, दोपहर में आए हुए थे। यमुना ने उनकी बहुत सेवा की, वो बहुत प्रसन्न हो गए और यम ने कहा कि मांगो बहन, क्या मांगती हो? तो यही आशीर्वाद दिया कि जो भाई अपने बहन के यहाँ जाएगा उसकी सेवा शुश्रूषा बहन करेगी और तिलक लगाएगी तो भाई उसका समृद्ध सुख, लंबे जीवन, निरोग, ये सब रहेगा। भाई का जीवन सुख समृद्ध से भरा रहेगा। मैं काशी पंचांग लेकर के बैठा हूं। गुरुवार का दिन है, द्वितीया है, द्वितीया 2:16 तक है, 2:16 तक द्वितीया है, ये बहुत बढ़िया है, दोपहर का समय है। आयुष्मान योग में है और अनुराधा नक्षत्र में आ रहा है, जो कि बहुत ही शानदार योग बन रहा है। ये तारीख पड़ रही है 27, तो 27 तारीख को भैया दूज का त्योहार मनाना सर्वश्रेष्ठ है। और 2:28 दिन में अनुराधा नक्षत्र में ये आप करें। उसके पहले विशाखा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र में भी, अनुराधा नक्षत्र में भी आयुष्मान योग है, बहुत सुंदर योग है, दोपहर का समय है, इसमें आप इसको भैया दूज मनाएं 27 तारीख को। उसके लिए मनाने का मुहूर्त मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए भाई को अपना पकवान वकवान बनाएं, मिठाई उठाई बनाएं, तरह तरह के भाई को पूजा मुहूर्त में ही करें। सबसे पहले भाई को चौकी पर बिठाएं और फिर कुमकुम तिलक का अक्षत लगाएं, टीका करते हुए मंत्र बोलें, मंत्र नोट कर लें। गंगा पूजे यमुना को, यामी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्णा को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। तिलक लगाने के बाद मिठाई खिलाएं। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।